इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसी इसकी वॉइस है और कैसी इसकी क्लैरिटी है, क्योंकि वॉइस भी मैं इसी से रिकॉर्ड कर। तो आज की इस वीडियो में मोटोरोला के G85 का एकदम डिटेल्स में कैमरा टेस्ट करने वाले हो। अगर आप भी इस फोन को कैमरे के लिए बाय करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल्स में कैमरा टेस्ट करके बताऊंगा कि कैमरा इसका कैसा है, कि आपको लेना चाहिए कैमरे के लिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भाई हमारी वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होती है, ना ही हम किसी कंपनी का प्रमोशन करते हैं। हम खुद के पैसे से फ़ोन बाय करते हैं और आप लोग के लिए रिव्यू लेके आते हैं, तो आप हम पे टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई कि इस वीडियो में इसके स्पेक्स बता के आपका टाइम पास नहीं करने वाला हूं। अगर आपको इसके डिटेल स्पेक्स जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको मेन कैमरा 50 MP का मिलता है विद सोनी सेंसर के साथ में, और इसमें आपको OIS मिल जाता है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जिससे आप माइक्रो कैमरा भी यूज कर सकते हो। और इसके फ्रंट साइड में आपको 32 MP की सेल्फी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मेन कैमरे से। अगर आप मेन कैमरे से दिन में फोटो निकालते हो तो फोटो में आपको डिटेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, कलर वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे भाई। डायनेमिक रेंज वगैरह देखो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करता है, लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि फोटो निकालते टाइम आपको लाइट कंट्रोल उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा, बट भाई फोटो निकालने के बाद प्रोसेस करने के बाद ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल के दे देता है। तो भाई फोटो की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी मेन कैमरे से। बाकी इसके पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो यहाँ फोटो में आपको डिटेल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएगी, कलर काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, स्किन टोन वगैरह देखो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएगा। एज डिटेक्शन भी इसका काफ़ी बढ़िया भाई। हाँ, कोई कोई कंडीशन में थोड़ा सा एज डिटेक्शन मिक्स हो जाता है, जैसे इस फोटो को देखिए, इसमें एज डिटेक्शन उतना आपको प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे की, तो यहाँ फोटो में आपको कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, स्किन टोन वगैरह देखेंगे तो आपको ठीक ठाक निकाल के देता है भाई, बट डिटेल्स उतनी बढ़िया आपको नहीं बोलूंगा भाई अल्ट्रा वाइड कैमरे से। हालांकि इस प्राइस में देखेंगे तो भाई इस प्राइस में अदर कंपनी आपको अल्ट्रा वाइड तो देती भी नहीं, ये तो अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है। तो यूजफुल फोटो आप निकाल सकते हो, अगर आप दिन में फोटो निकालते हो तो आपको यूजफुल फोटो ये अल्ट्रा वाइड से भी निकाल के दे देता है। बाकी डिटेल्स के मामले में उतनी बढ़िया नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई इसका माइक्रो कैमरा काफ़ी बढ़िया है। फोटो में आपको डिटेल्स अच्छी देखने को मिल जाएगी, कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ भाई थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, आपको डिस्टेंस और फोकस प्रॉपर रखना पड़ेगा तो ही आप इससे बेस्ट माइक्रो फोटो निकाल पाएंगे। बाकी यहाँ कैमरे में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे प्रो मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जिसमें आप जाके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कैसा फोटो निकालना है। और इसके मोर ऑप्शन में और भी आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको डुअल कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप फ्रंट और बैक का एक साथ में आप फोटो निकाल सकते हैं। डुअल वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप फ्रंट और बैक कैमरे का दोनों एक साथ में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ सिंपल वगैरह भी है जिसे मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी इसमें आपको अल्ट्रा हाई रेस का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप इससे एक फोटो निकालते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। फोटो को आप जूम करके देखोगे तो आपको डिटेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें इसके लो लाइट फोटो की, तो यहाँ फोटो में आपको डिटेल्स अच्छी देखने को मिल जाएगी, कलर काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, स्किन टोन वगैरह देखो आपको काफ़ी अच्छे निकाल के देता है भाई। थोड़ा सा प्रोसेस करता है फोटो को, बाकी रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकाल के देता है, लेकिन फोटो को अगर आप जूम करके देखोगे तो थोड़ी सी नॉइस अगर आपको देखने को मिल जाती है। तो लो लाइट में उतना बढ़िया तरीके से नहीं बोलूंगा भाई, लेकिन एक यूजुअल फोटो आपको निकाल के दे देता है, लेकिन जहां लाइट कंडीशन अच्छी रहेगी भाई वहां आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ भी फोटो में आपको डिटेल्स अच्छी देखने को मिल जाएगी, कलर काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, स्किन टोन वगैरह देखोगे आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से निकाल के दे देता है भाई। अगर सेल्फी कैमरे से पोर्ट्रेट मोड भी निकालते हो तो यहाँ भी आपको एडिटेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, कलर काफ़ी सही निकाल के देता है, स्किन टोन वगैरह भी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि वही चीज़ है कि फोटो को थोड़ा सा बूस्ट करता है, बाकी डिटेल्स आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है भाई। बाकी फ्रंट कैमरे के लो लाइट फोटो की बात करो तो यहाँ आपको कलर अच्छे देखने को मिल जाएंगे, स्किन टोन वगैरह काफ़ी आपको अच्छे निकाल के देता है भाई, लाइट कंट्रोल इसका काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई डिटेल्स उतनी बढ़िया आपको नहीं बोलूँगा। फोटो का अगर जूम करेंगे तो आपको नॉइस वगैरह देखने को मिल जाती है, तो लो लाइट में उतना बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं करता भाई, लेकिन भाई दिन में काफ़ी आपको बढ़िया इसका कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो इसके फ्रंट और बैक कैमरे से आप दोनों ही कैमरे से 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके मेन कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग है और इससे भी आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वॉइस भी मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इसके कैमरा है, कैसे इसकी क्लैरिटी है। थोड़ा सा मैं आपको चीज़ रनिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कैमरा भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है भाई, एकदम कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है और कैमरा भी काफ़ी। बाकी अल्ट्रा वाइड की बात करूँ तो अल्ट्रा वाइड से भी आप 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ भी आपको वीडियो में स्टेबलाइजेशन थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी इसके फ्रंट कैमरे की बात करो तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको स्टेबलाइजेशन तो अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन भाई फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर देता है, मतलब थोड़ा सा फोटो क्रॉप करता है, बाकी स्टेबलाइजेशन काफ़ी आपको बढ़िया देखने को इसमें मिल जाती है। तो भाई अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे, क्या हमको फोटो के लिए फ़ोन बाय करना चाहिए। हाँ भाई,
अगर आपको फोटो निकालना है तो ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उतना बढ़िया नहीं बोलूँगा। बाकी अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो भाई ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट रहेगा, 18,000 की रेंज में आप इसे बाय कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।